वेलकम टू जयंती किचन क्वीन। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दी में बनने वाली एक खास रेसिपी जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, वही रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है हल्दी जीरा और पचमेवा का हलवा। और ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स, ये 3-in-1 है बच्चों के लिए और हम लोग के बड़ों के लिए। और जो माँ बच्चे को जन्म दी हैं, डेट मीन्स आफ्टर प्रेगनेंट हो चुकी हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक ये हलवा है और सर्दियों में बच्चों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। अगर किसी को किसी तरह का समस्या है, दर्द का या फिर जुगाम या फिर सर्दी का समस्या है, उसे भी ये दूर करती है, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर हलवा को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने पचमेवा लिया है और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने टोटल सब 100 ग्राम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। एक बड़े वाले नारियल जो सूखे वाले बाटी आते हैं वो हमने लिए हैं। जीरा हमने 100 ग्राम लिया, यानी टोटल मेजरमेंट किशमिश छुहारा और काजू और जीरा मैंने 100 ग्राम लिया है। और एक बड़े वाले जो बाटी आते हैं वो हमने लिया है और उसकी भी मेजरमेंट अगर की जाए फ्रेंड्स तो वो 80 से 90 ग्राम की है। और ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे एक बाउल में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाई जाती है, वही रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने छुहारे के बीज को बीज से निकाल लेना है। और ये देखिए, मैंने सारे छुहारे के बीज को बीज से निकाल लिया है और वो भी छुहारे को मैंने उसी बाउल में रख लेनी है। तो यहाँ पे सारे बीज हमने अलग कर लिया है और उसे भी उसी बाउल में, डेट मीन्स ड्राई फ्रूट्स और जीरा वाले बाउल में डाल दिया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप सूखे वाले बाटी लीजिएगा या फिर जो पानी वाले नारियल आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप नाइफ के हेल्प से या फिर किसी भी पत्थर से इस तरह से आप इसे तोड़ लीजिएगा। और ये देख, मैंने इसे इस तरह से तोड़ लिया है फ्रेंड्स, और इसे आप अपने हाथों से या फिर नाइफ की हेल्प से आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं उसे कट कर लीजिएगा। तो मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से मैं तोड़ती जा रही हूँ फ्रेंड्स। ये जो रेसिपी है, जब मेरे बच्चे छोटे थे उस समय हमारे पापा जी और मम्मी ने ये जो प्यारी सी रेसिपी है इसे बनाया था और हमें इसे खिलाया था। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने नारियल को बारीक कट कर लेनी है और इसे एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हल्दी लिया है 1/2 kg। और हल्दी जो है फ्रेंड्स, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और ये डाइजेशन की प्रॉब्लम को भी आपको दूर करती है, किसी भी दर्द जैसी समस्या रहती है उसे भी दूर करती है। और बच्चे जब आपके छोटे होते हैं, आप जब फीड करा रहे होते हो तो उस समय बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है, उसे ये दूर करता है फ्रेंड्स। और ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। तो ये कच्ची हल्दी है फ्रेंड्स, ठंड के मौसम में ये अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। तो इसके छिलके को हमने छील लिया और इस तरह से इसे कट कर लिया। हल्दी फ्रेंड्स मेरे हाथों में लग गई थी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से हल्दी लग चुकी है। तो उसे कोई बात नहीं है, 2 से 3 दिन में वो चली जाती है वहाँ से। और इसे बारीक इस तरह से कट कर लेनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 कप मैंने पानी डाल दिया, डेट मीन्स ये अच्छे से सोख हो जाए उतना पानी डाल देना है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, जीरा थी, उसमें भी मैंने इस तरह से मैंने पानी डाल दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ये दूंगी कि नारियल को आप अलग और हल्दी को आप अलग बाउल में आप पानी डाल के सोक करोगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 3 से 4 घंटे के लिए इसे सोक कर दिया है। और ये देखिए, सारी मेरी जो भी ड्राई फ्रूट्स थी, हल्दी थी और नारियल अच्छे से सोख हो चुकी है। अगर आप सुबह में बनाना चाहते हो तो रात भर के लिए इसे भिगो दीजिएगा, या फिर आप रात में बनाना चाहते हो तो सुबह में भिगो दीजिएगा। तो मैंने इसे मॉर्निंग में भिगो दिया था और ये शाम की वीडियो है फ्रेंड्स। और ये देखिए, मेरे जितने भी थे वो सारे अच्छे से सोख हो चुके थे। मैंने इसे ग्राइंडर में स्मूथली ग्राइंड कर लेनी है। इस हलवे को फ्रेंड्स मैं सरसों तेल में बनाऊंगी, डेट मीन्स मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी। तो घर का मैंने भारी तले का कढ़ाई ले लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और अगर ये ऑथेंटिक सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत प्यारी सी और बहुत अच्छी सी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लिया है फ्रेंड्स। और ये जो हलवा है फ्रेंड्स, ये मस्टर्ड ऑयल और घी दोनों इसमें मिक्स रहेगा। तो पहले यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, तो ऑयल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा मैंने यहाँ हल्दी पहले डाल देनी है, यानी हल्दी का पेस्ट इसमें डाल देनी है, जो मैंने कच्चे हल्दी को पीसा था ग्राइंडर में। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ये देना चाहूँगी कि इसे जब आप भूनोगे तो आप फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और इस हल्दी को
कम से कम 50-60% इसी तरह से भूनना है। अगर तली में चिपक रही है फ्रेंड्स कोई बात नहीं, बाद में ये ठीक हो जाती है, बट कोशिश यही रहे इस हल्दी के पेस्ट को फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। फ्रेंड्स जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो हमारे पापा मम्मी इसे अक्सर बनाया करते थे ठंड के सीजन में, तो ये कह सकते हो फ्रेंड्स कि हमारे मायके की ये ऑथेंटिक सी रेसिपी है जिसे हमारे पापा मम्मी मिलके बनाया करते थे। और ये देखिए फ्रेंड्स 50-60% यहाँ पे हल्दी जब हमारी अच्छे से वो पक चुकी थी तो मैंने यहाँ पे जीरा और ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर डेट मीन्स पेस्ट जो तैयार किया था वो मैंने इसमें डाल देनी है। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स जो होती है फ्रेंड्स इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करती है, और यहाँ पे जीरा जो होती है फ्रेंड्स वो भी एंटी ऑक्सीडेंट का काम करती है, और जीरा में फ्रेंड्स विटामिन ए ई सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही एक्सेस अमाउंट में पाई जाती है फ्रेंड्स। और ड्राई फ्रूट्स का फ्रेंड्स अपना ही गुण होता है, वो आपके हड्डियों को मजबूत करता है, स्किन को आपका बहुत ज़्यादा ग्लोई करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है फ्रेंड्स कि आपके जो कई तरह की बीमारियां होती है उसे वो दूर करता है, जैसे हृदय संबंधी या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या फिर रक्त संचार बढ़ रहा है उसे भी वो दूर करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 30 ml का एक पाउच लिया है घी का, वो मैंने इसमें डाल देनी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमारी जो हल्दी है वो 50-60% अच्छे से भून चुकी थी, उसके बाद जब ड्राई फ्रूट्स और जीरा को मैंने इसमें डाला है तो उसे भी हमने 60% अच्छे से पका लिया है हल्दी में और ऑयल में। उसके बाद यहाँ पे घी डालना है फ्रेंड्स 30 ml, अगर आप ज्यादा चाहते हो तो वहाँ पे ज्यादा डाल सकते हो, और इसे भी कंटिन्यूअसली इसी तरह से चलाते रहना है फ्रेंड्स। और ये देखिए धीरे धीरे हमारे जो हल्दी और पचमेवा जो इसमें परा है डेट मीन्स इस मिक्सचर को इस तरह से आप देख सकते हो इसका जो कलर है धीरे धीरे चेंज होता नजर आ रहा है फ्रेंड्स। और इसकी खास बात ये है फ्रेंड्स कि जब आप इसे अपने किचन में बनाओगे फ्रेंड्स आपके पड़ोस को पता चल जाती है कि आपके घर में हल्दी और जीरे का हलवा बना है, ये इतना स्ट्रांग इसका स्मेल होता है फ्रेंड्स, बहुत प्यारा सा ये है हलवा। और ये फ्रेंड्स ठंड के मौसम में तो इसे आप अक्सर बना के आप अपने फ्रीज में स्टोर कर लो, आराम से 15 से 20 दिन के लिए आप इंजॉय कर सकते हो। और लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे जब आपके ड्राई फ्रूट्स और हल्दी अच्छे से वो कुक हो जाए डेट मीन्स 80% कुक हो जाए तब आप नारियल के पेस्ट को इसमें डालेगा। फ्रेंड्स सूखे हुए जो नारियल होते हैं फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि अगर आपकी एनीमिया की शिकायत हो तो वो भी आपको दूर करती है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, डाइजेशन प्रॉब्लम अगर है तो उसे भी वो स्ट्रॉन्ग करती है फ्रेंड्स, और हड्डियों को वो मजबूत करती है। इसलिए सूखे जो नारियल होती है उसे भी आप किसी भी रेसिपी में ट्राई कर सकते हो, मैंने ये रेसिपी में ट्राई किया। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जैगरी लिया है 400 ग्राम। फ्रेंड्स यहाँ पे मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 400 ग्राम मैंने यहाँ पे जैगरी लिया है, और जैगरी को अच्छे से मैंने क्रश करके या फिर तोड़ के इसमें डाल देनी है, और इसे भी कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। डैट मीन्स 80% आपके हलवा अच्छे से पक गए हैं, उसके बाद आप नारियल के पेस्ट को जब डालिएगा तो उसे भी आप आराम से 10 मिनट अच्छे से इसे पका लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में आप जैगरी इसमें डालिएगा और इसे कंटिन्यूअसली इसी तरह से चलाते रहना है फ्रेंड्स तब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स इसे कंटिन्यूअसली चलाते चलाते इसका जो कलर है वो माइंड ब्लोइंग हो गई है फ्रेंड्स, ये हलवा बहुत ही प्यारा है। और ये कब पक जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसका बहुत ही अच्छा सा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी, और ये देखिए इसे मैं कंटिन्यूअसली चलाती जा रही हूँ फ्रेंड्स। ये हलवा बनाते बनाते मुझे अपने पापा जी की याद आ गई, इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये हमारी मायके की और हमारे मम्मी पापा की बनाई गई रेसिपी है जो हमारे लिए बनती थी अक्सर। इस बार तो फ्रेंड्स अब तो पापा नहीं रहे, बट कोई बात नहीं, मम्मी हमारी जो थी वो हमें बना के इसे भेजी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी मैं भी बनाऊं और आप लोग साथ शेयर करूं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है थोड़े से हलवे को, और साइड में ठंडा होने के लिए मैंने रहने दिया है, और इसे मैं कंटिन्यूअसली चलाती जा रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है फ्रेंड्स कि इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना। और ये देखिए प्लेट की हलवा अच्छे से ठंड हो चुकी है, और इसे मैंने इस तरह से राउंड किया है तो एक जगह ये इकट्ठा हो जा रही है, डेट मीन्स यहाँ पे आपके हलवे जो हैं फ्रेंड्स वो बन के तैयार हो गए हैं, और यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देना है फ्रेंड्स। अगर इसमें आपको लगे फ्रेंड्स कि एक्स्ट्रा ऑयल है तो आप ऑयल में ही रहने दीजिएगा इस हलवे को, या फिर आप हलवे को साइड कर लीजिएगा, ऑयल जितना रिलीज हो जाएगा उसे आप निकाल के अगली बार जब आप हलवे बनाते हैं तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे स्टील के बर्तन
बर्तन में या फिर आप कांच के बर्तन में इसे आप स्टोर कर सकते हो। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया, कुछ ड्राई फ्रूट से ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। तो ये देखिए हमारा हल्दी, जीरा और पचमेवा का हलवा कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स दीजिए इजाजत कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ वक्त के लिए, ताकि जयंती किचन क्वीन के खजाने से एक प्यारी सी रेसिपी आप लोगों के सामने ढूंढकर मैं जल्दी से लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।